अच्छा नहीं हुआ। फिर देखिये तो रामघाट की तरफ अगर गोरखपुर से लोग आ रहे हैं तो रामघाट स्टेशन को भी विस्तृत विस्तार दिया जा रहा है। फैजाबाद का जो पुराना जंक्शन है जिसको अयोध्या कैंट कहा जाना जाता है, अयोध्या कैंट का विस्तार तो है ही है जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही लैस है। तो जैसे अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है नए अमृत ट्रेन की। कहा जाता था वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है, ये एक नई पहल। आपको याद होगा अगर आपने जब पहले सफर किया होगा, जिसको जनरल बोगी कहा जाता था, घुसना बड़ा मुश्किल होता था, किसी ने रूमाल फेंक करके अगर कोई सीट हासिल कर ली तो चलिए उनका तो सफर किसी तरह से कट जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को खड़े होकर के बिना किसी स्थान के बिना किसी सुविधा के सामान को लादे लादे आप बहुत ही मुश्किल से अपने गंतव्य तक जा पाते थे। ये अमृत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए, कोई उन्हें कविताएं सुना रहा है, कोई उन्हें अपने लिखे हुए संस्मरण सुना रहा है, कोई चित्रों के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा है। ऐसी तस्वीरें हम हमेशा प्रधानमंत्री के संपर्क यात्रा के दौरान देखते रहे हैं। मेट्रो कोचेस में खासतौर पर जब वो सफर करते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन इस वक्त आप देखिए बहुत ही अत्याधुनिक, ये बिल्कुल जनरल वार्ड का जो 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 डिब्बा है उसको कैसे आधुनिक बनाया गया है, कैसे चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि नए बदलते हुए माहौल में सभी लोग मोबाइल फोन के जरिए कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हर कोई हर स्टेशन पे देखता है कि इस वक्त मेरी गाड़ी कहां पहुंची, मैं कितनी देर बाद अपने घर पहुंच पाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे कितनी देर रुक पाऊंगा, वहां पर क्या सुविधाएं हैं। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पब्लिक अनाउंसमेंट की सुविधा हो या फिर क्लीन नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स की सुविधा हो, जो कि नॉर्मल जो 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 यात्री के डिब्बे हैं उसमें कैसे दी जाए और कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको भी सुविधाजनक बनाया जाए, उसकी एक कोशिश की जा रही है। अमृत भारत जो ट्रेन नई आज शुभारंभ की जाएगी, दो अमृत भारत ट्रेन यहां से अयोध्या से, जो कि दक्षिण भारत को और खासतौर पर मिथिलांचल को अयोध्या के साथ जोड़ेगी, नई दिल्ली को भी जोड़ेगी। तो उसके साथ साथ जो छह वंदे भारत ट्रेन हैं उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जिनका हॉल्ट अयोध्या धाम को बनाया गया है, स्पष्ट तौर पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब रामलला विराजमान होंगे तो लाखों की संख्या में जो पर्यटक आएंगे उनको समायोजित करने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत होगी। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग सड़क परिवहन से, कुछ लोग वायुयान के जरिए, कुछ लोग अपनी गाड़ी से, कुछ लोग बसों के जरिए, बहुत सारे यात्राओं के जरिए, बहुत सारे यात्रा के जो साधन है उनका इस्तेमाल करते हुए अयोध्या तक पहुंचना चाहेंगे। साथ ही साथ वाटरवेज का भी निर्माण किया जा रहा है, वहां पर भी जो सुविधाएं हैं, बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो की भी शुरुआत अयोध्या में होने वाली है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और विरासत के साथ कैसे विकास को आप जोड़ते हैं उसकी एक वानगी, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। राजेश राज, क्या आप मेरे साथ हैं? अश्विनी जी, जी अजय जी, जी तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है इस वक्त आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स, अमृत ट्रेन अब रवाना अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। करतल ध्वनियों के बीच मेक इन इंडिया पूरी तरह से भारत में बनी हुई, ये देखिए छह वंदे भारत ट्रेन्स और दो अमृत भारत ट्रेन्स, आठ ट्रेन्स का
भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।